बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमेर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज बच्चों की बड़ी फरमाइश थी कि हमें बर्ड्स मार्केट दिखाएं, तो मैं बच्चों के साथ जनाब बर्ड्स मार्केट जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको व्लॉग किया जाए इसके ऊपर भी। तो मैं आज आपको बर्ड मार्केट भी दिखाता हूँ और जाके वहाँ से प्राइस भी देखते हैं, तो बड़ा मज़े का आज व्लॉग होने वाला है, ज़रूर मेरे साथ रहिएगा। तो आइए अब चलते हैं। जी वर्स, इस टाइम मैं हकीम हातमी रोड से गुजर रहा हूँ और दारा राइया से होते हुए इंशाल्लाह आज हम जाएंगे जी बुचड़खाने, जहाँ सियालकोट की बर्ड्स मार्केट है, जहाँ से आप परिंदे वगैरह खरीद सकते हैं। तो इस टाइम मैं दारा राइया पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये जी दारा राइया है। और जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएँगे तो सीधा जनाब मुजाहिद रोड से होते हुए इंशाल्लाह हम बुचड़खाने जाएँगे। ये सामने मेरे मुजाहिद रोड है और जैसे मुजाहिद रोड ख़त्म होगा तो ये आपको मार्केट नज़र आएगी जी। यहाँ मोबाइल मार्केट भी है और चिकन की और स्पोर्ट्स की भी आपको शॉप्स मिलेंगी। काफ़ी रश रहता है इस रोड के ऊपर, या मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं जनाब चिकन की काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। और मेरे सामने ये रामतलाई चौक आ गया जी। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएँगे तो आपको यहाँ जनाब सर्जिकल की जितनी आइटम्स हैं इस मार्केट से आपको मिल जाएंगी। सियालकोट की बहुत ही मशहूर मार्केट है जहाँ से आपको सर्जिकल आइटम्स मिलेंगी। ये आप शॉप्स देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, हर वैरायटी आपको यहाँ सर्जिकल की जितनी आइटम्स हैं आपको बड़ी आसानी से यहाँ से अवेलेबल होंगी जी। सियालकोट में सर्जिकल आइटम्स भी काफ़ी बनती हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी एक व्लॉग करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी बर्ड्स मार्केट में, कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम पहुँचने वाले हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएँगे तो बुचड़खाना जो है ये जनाब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और बर्ड्स मार्केट भी स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, ये आप राइट साइड पे मेरे देख सकते हैं, ये जनाब अब बर्ड्स मार्केट स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। ये भी एक शॉप है जी, तो मैं आपको आगे जाके शॉप दिखाता हूँ मज़ीद जो शॉप्स हैं बर्ड्स मार्केट की। तो ये बस कुछ ही लम्हे में हम पहुँचने वाले हैं जनाब, ये राइट साइड पर ये देखिए जी हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ जहाँ से आप जनाब पैरट्स ले सकते हैं, काफ़ी यानी इनके पास वैरायटीज़ होती है। तो अभी आप शॉप देखें जी, इसके अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ जी कौन कौन से परिंदे हैं इनके पास। सबसे पहले जी ये पैरट आया हुआ है जी रॉ, ये देखें जी बड़ी अच्छी नस्ल का होता है और काफ़ी अच्छे ये बोलते भी हैं। तो ये देखें जी बड़ी प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह। और ये जनाब ये भी आप बर्ड्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलियन पैरट है, तो काफ़ी नस्ल के इनके पास जनाब चीज़ें हैं और ये परिंदे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं जी। ये भी देखें, ये भी पैरट्स हैं लेकिन अब इनकी मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी नस्ल के हैं। तो ये लेकिन बहुत ही प्यारा कलरफुल जनाब पैरट्स हैं ये, जहाँ से आप आके ले सकते हैं। और ये देखें ये भी बहुत प्यारे माशाल्लाह परिंदे हैं जनाब, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इनके पास। ये तो ऑस्ट्रेलियन है, तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इनके पास जनाब, आप आके यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अभी मैं एक्चुअली आया था यहाँ से रात, जो उनके बच्चे आजकल आपको मिलेंगे तो आपको वो भी दिखाता हूँ और आपको इनका दाना भी दिखाता हूँ जी, जो ये दाना वगैरह खाते हैं। ये देख सकते हैं जी ये बाजरा है और गंदम भी होती है इसमें, काफ़ी यानी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं इनके खाने पीने में भी। तो ये जनाब ये रात होता है जो मैं आपको बता रहा था, तो इसके बच्चे भी आपको मैं दिखाता हूँ जो आजकल मौसम है जी। इनके बच्चे आपको बड़े कम प्राइस पर मिल जाएंगे, ये देखें जी ये जो बच्चे हैं जी रॉ पैरट्स के बच्चे हैं, तो इनकी प्राइस मैंने पूछी है तो 10,000 रुपये का ये एक जनाब दे रहे हैं जी इनका बच्चा रॉ का। ये आप देखें बहुत ही छोटे छोटे हैं और हैंड फीड्स अभी इनको करानी पड़ेगी। तो ये जनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ जी तोते, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें जी कबूतर हैं बड़ी अच्छी नस्ल के माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे वो दो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वो बटेर भी हैं इनके पास। काफ़ी ज़्यादा परिंदे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिस किस्म का आप करना चाहे आपको जनाब मिलेंगे इस बर्ड्स मार्केट में। ये कबूतर हैं जी, बहुत मुख्तलिफ नसल्स के कबूतर भी हैं यहाँ पे। परिंदों के लिए अगर आपने केज लेना है तो वो भी आपको मिलेंगे, ये देख सकते हैं जी ये भी केज है और ये भी बने हुए हैं जी परिंदों के लिए केजेस। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी, इससे मज़ीद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो आगे भी आपको मिलेगी जी बर्ड्स मार्केट। ये पूरी जो कह रहे रोड है भरी पड़ी है जी बर्ड्स मार्केट से। तो मैं अभी आपको जनाब चूज़े भी दिखाता हूँ यहाँ से, मुर्गियाँ भी आपको मिल सकती हैं। तो ये जनाब हम बुचड़खाना से गुजर रहे हैं इस टाइम, तो ये देखिए राइट साइड पर आपको केजेस भी मिलेंगे और परिंदों की शॉप्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा आमने सामने। ये देखें जी ये भी है और इसके सामने भी है,
यहाँ से भी आप आके खरीद सकते हैं परिंदे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, यहाँ बड़े प्यारे माशाल्लाह चूज़े मिलते हैं देसी भी, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। कुछ लम्हे में हम पहुँचने वाले हैं। लें जनाब, अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ से आपको चूज़े मिलेंगे। ये देसी चूज़े हैं, ये देख सकते हैं, और ये जो है ये दूसरे होते हैं जी फार्मी, तो बहुत ही प्यारे माशाल्लाह लगते हैं जी ये। यहाँ से आप आके लेके जा सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है इनकी। ये देख सकते हैं जनाब, तकरीबन 100 रुपीज़ का मेरा ख्याल एक पीस है इनका। ये देखिए माशाल्लाह, ये जनाब बटेर है, ये आपको बटेर भी दिखाया है मैंने। तो अब आगे चलते हैं जनाब मज़ीद, तो ये हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ आके मार्केट ख़त्म हो जाती है। ये भी ये देखिए लास्ट शॉप है इनकी बर्ड्स की। तो ये हम पहुँच चुके हैं जनाब मोरी गेट पर, यहाँ से हम जैसे ही लेफ़्ट लेंगे तो ये मरे कॉलेज रोड की तरफ हम जा रहे हैं। इस जगह पर मैं इसलिए आपको लेके आया हूँ कि अगर आपको जनाब इनकी मेडिसिन वगैरह चाहिए परिंदों की, या आपने अगर कोई भी पेट्स रखे हुए हैं, तो आपको तमाम जनाब वैराइटीज़ यहाँ से मिलेगी मेडिसिन की। तो यहाँ शॉप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ जी शॉप्स जहाँ से आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं अपने पेट्स को, और यहाँ से आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। ये देखें जी, ये भी एक शॉप है और इसके सामने भी शॉप्स हैं। ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स अब बन चुकी हैं, पहले सिर्फ एक शॉप होती थी। और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी जो पेट्स का है वो भी इसी रोड के ऊपर है, जहाँ आप आके अपने पेट्स को चेक करवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं जी यहाँ पे। ये मरे कॉलेज रोड है जी, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड पे मरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी स्कूल बहुत पुराना है जनाब, ये सेंट एंथनी स्कूल का नाम है जी। और ये देखें राइट साइड पर ये मरे कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैंने आपको दिखाया जी पेट्स मार्केट, जो सियालकोट की जनाब, जहाँ से आप परिंदे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये जी गवर्नमेंट मरे कॉलेज ग्रेजुएट, इस पे मैंने व्लॉग भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसी कॉलेज पे अलामा मोहम्मद इकबाल भी पढ़े हुए हैं जनाब, जो मैंने आपको मरे कॉलेज दिखाया है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जीवर्स। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको सियालकोट की बर्ड्स मार्केट दिखाई है, और आपको वो भी शॉप्स दिखाई हैं जहाँ से आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने पेट्स को, और इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस की जो शॉप्स हैं वो भी मैंने आपको दिखाई हैं। इंशाल्लाह उस के ऊपर एक पूरा व्लॉग करेंगे। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट भी है एंड पे कि ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, और मेरी रेसिपीज भी है मेरे चैनल के ऊपर, वो भी ज़रूर देखा करें। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।